तो गाइस आ गए एक और तड़कते भड़कते और फनी वीडियो के साथ। गाइस हम ड्रॉप कर रहे हैं स्टेडियम, जिसको कहा जाता है पबजी लाइट किसान और बंदों की दुकान। और भैया जी आ चुका है रैंक पुश का सीजन, तो बंदे बहुत ही ज्यादा कम मिल रहे हैं, और जो मिल रहे हैं साला वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक रैंक पुशर है। मतलब कहीं भी लेट जा रहे हैं, और जैसे जाते हैं भैया जी हमको ऐसा कंटाप लगाते हैं कि क्या ही बताएं। भैया जी बंदे ढूंढते ढूंढते हम तो पागल ही हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि साला हमको रांची का पागल खाना जाना पड़ेगा। और भैया उधर हमारी टीम के बंदे लुटुर पुटुर चुटुर मुटुर को छोड़कर फाइटा फाइटी में बिजी हो जाते हैं। और भैया जी हमारे टीममेट नंबर 3 को कोई गोली मारता है, उसकी लंका लगा देता है। हमने कहा भैया हमको आना पड़ेगा, साला हमारा टीममेट तो लपकू झन्ना है, संभाल नहीं पाएंगे। और भैया नीचे कलवा अपना जलवा दिखाकर भैया सामने वाले बंदे का हलवा बना देता है। तो भैया यहाँ पर तो हमारा कोई रोल नहीं होता, तो भैया हम चलते हैं सीधे दूसरे बंदों को ठेलने। और भैया लुटुर पुटुर चुटुर मुटुर करने के बाद हम चले जाते हैं गाड़ी लेने, और हम खेल रहे हैं स्क्वाड के मैच, मतलब 3 रैंडम बंदे, मतलब 3 तिगड़ा और काम बिगाड़ा वाला काम। और भैया जी हम आ जाते हैं लाल लाल मतलब गुटका वाले ड्रॉप पे, जहाँ हमको मिल जाती है AW। हमने कहा उठाएंगे नहीं भैया, वरना उठा ले तो पबजी लाइट के बंदे एक ही बार में मर जाएंगे। और भैया इस डिस्ट्रिक्ट में खतरनाक फाइट मची पड़ी थी, और हम चले जाते हैं थर्ड पार्टी करने। सामने एक बंदा दिखता है, भैया जी हम इधर गाड़ी रोकना चाहते थे लेकिन और बंदा आ जाता है। हमने कहा भाग लो भैया यहाँ से, यहाँ तो काफी सारे बंदे हैं, रुकेंगे अगर तो भैया जी कचुम्बर बनना तो तय है। और हम आ जाते हैं भैया जी इस पीले वाले घर के पास, क्योंकि हमको करना था कैंपिंग नहीं TPP लेना था। और भैया जी नीचे से हमने एक स्कोप उठाया जिसकी हमको जरूरत भी नहीं थी, और हम यहाँ पर मुंह दिखाई करने लगते हैं, और सामने वाले बंदे छुपन छुपाई बेटा कंटा। भैया जी जो बंदा हमको मारना चाहता था हमने उसको लॉबी भेज दिया। और भैया जी एक बंदे की खुजली मिटनी थी, बाहर साला ड्रॉप लूटने आ गए थे, जैसे पिछवाड़े पे 2 गोली पड़ती भैया तुरंत ऊपर चला जाता है। हमने कहा भैया यही सही मौका है, रस करो, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान कह चुके हैं कि भैया कल करे सो आज कर, आज करे सो आगे का आप खुद पढ़ लेना गूगल करके। भैया जी हमको देरी हो रही है क्योंकि हमको बंदे मारने हैं। और भैया जी हमारे पास होती है S12K, लेकिन हम सामने से नहीं जाएंगे, क्योंकि भैया जब S12K तुक्के से चलती है तब तो बंदे मर जाते हैं, लेकिन हम जब खुद चलाते हैं तो भैया हम खुद ही मर जाते हैं। और भैया हमने सोचा कि इनको क्यों ना टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करके मारा जाए जो हमको आती नहीं। और भैया यहाँ पर हमको फ्री का किल मिल जाता है। हमने कहा छोड़ो इसको, पहले इन बंदों को ठेलो। तो भैया जी आराम से हीलिंग विलिंग कर रहे थे। हमने कहा बेटा कंटा मतलब TPP कहाँ ले रहे हो भैया? और ब्रो हमको ऐसा लगता नहीं कि पबजी लाइट में हमसे बड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स वाला बंदा अभी तक पैदा नहीं हुआ होगा। और भैया जी इन बंदों को देख लो कैसी घोड़ी बने, बेटा भम भम बेटा भम भम। अबे तू भी मर, तुझको क्या अलग से इन्विटेशन दूं? और भैया जी यहाँ पर एक खतरनाक बंदा होता है जिसको हमने स्कारल से पिचकारल बना दिया, और हमको क्या मिल रही भीड़े वाली गाड़ी। मतलब हर दिन हम थोड़ी ना रिस्क लेते रहेंगे भैया, क्योंकि इश्क नहीं है तो रिस्क की कोई बातें नहीं है। इसलिए हम चले जाते हैं भैया जी गाड़ी लेने, क्योंकि हमारी टुनटुनिया सबसे बेस्ट है। इस बंदे को देख लो, मतलब पबजी लाइट का सबसे बड़ा खतरनाक प्लेयर तो यही था, जिगल पे जिगल मारे जा रहा था। और भैया जी हमने आवारा भिखारी की तरफ पूरे पबजी लाइट का भ्रमण किया, लेकिन भैया कोई बंदे मिलने का नाम नहीं ले रहा था। तभी हम आ जाते हैं सेंट्रल रोड, जो बंदों का हॉट ड्रॉप हुआ पड़ा है, और यहाँ पर होते हैं गजब के लौंडे। एक बंदा छत्ते पर लेटा है, और एक बंदा भैया जी घोड़ा बनकर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा है। और देख लो भैया जी कैसे पेटी लूटने जा रहे हैं, मतलब गजब के बंदे, किसी का खौफ नहीं है। बेटा कंटाप निकलो लॉबी, भैया जी हमारा स्प्रे और हमारा हमेशा 2 मिनट में हिलते डुलते रहता है जॉयस्टिक, भैया गलत ना समझना। और इसका बंदा पीछे से कवर फायर देने लगता है। हमने कहा ये सही मौका नहीं है फिनिश करने का, पहले ऊपर चलो हीलिंग विलिंग कर लो, क्योंकि यहाँ पर खतरनाक बंदे आए पड़े, क्योंकि कॉन्करल लॉबी जो लग चुकी है। नहीं हम कॉन्करल में नहीं भैया जी, सामने वाले बंदे कॉन्करल में हो सकते हैं, हमको ऐसी उम्मीद है। और भैया जी जो छत्ते वाला बंदा था ना, वो नीचे से हम पर रस कर रहा था, और साला हम घास वाले बंदे से तो परेशानी हो गए थे। अबे साला रस कर रहे लोग, भम भम भम, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। और भैया ले देकर तो हमने इस बंदे को नॉक किया S12K की मेहरबानी से। और भैया जी ऊपर रेड जोन फनापन गिरा पड़ा था, और पहली बार भैया जी रेड जोन ने हमारा किल सेव किया, वरना हमको ही सेव कर देता था। और भैया छुपते छुपाते छत्ते वाले बंदे को डैमेज देने के बाद हम आ जाते हैं नीचे की तरफ, क्यों हमको लेना था TPP उस नांगिन वाले बंदे के विरुद्ध। और भैया जी हम पर गिनेट लेकर एकदम खतरनाक तरीके से इसकी कर रस करने आ रहे थे। नहीं गिनेट अभी नहीं लिए भैया, अब गिनेट उठाते हैं, देखो कैसे गिनेट को लिए ले हमारे पास आ रहे हैं। हमने कहा भाग लो भैया, वैसे हम प्रो हैं, गिनेट विनेट से डरते नहीं। अभी बंदा कहाँ चले गए, चला बाबा जी का चूरन खाया क्या, इतनी जल्दी भाग गया। और भैया जी हमारे पास होता चाइना का किनेट, जिसके फटने की गारंटी हम पूरी दे सकते हैं, लेकिन कौन फटेगा इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। और भैया इस किनेट की क्या ही बात किया जाए, जैसा हमारा लाइफ झंड वैसा हमारा ग्रेनेड झंड। और भैया जी यहाँ पर हम पर एक और स्क्वाड रश कर देती है, बेटा भम भम भम, मतलब बंदा हमको सरप्राइज अटैक देना चाहता था। और भैया जी पता नहीं यहाँ पर कहाँ कहाँ से गोली बारी बम बाजी हुई पड़ी थी, मतलब 10 स्क्वाड का तो यहाँ पर रस हुआ पड़ा था। अरे एक बंदे को देख लो भैया कैसे हम पर रस कर रहे हैं, मतलब खतरनाक बंदे आ चुके थे यार। और इस बंदे का ना पीछे वाला बंदा है जिसको हमारा कोई खौफ नहीं था, मतलब गुम्मा को कोई डर नहीं था। लड़ा भम भम 3 गोली भैया जी कपार पर पड़ी, लेकिन बंदे को कोई डैमेज नहीं किया, मतलब कुछ भी।
हमने आ रहा है बेटा, लो बेटा भम भम भम। और भैया यहाँ पर खतरनाक भीड़ मचने वाली थी, मतलब भगदड़ में गड़बड़ होने वाली थी। हमने कहा भैया फटाफट किल सेव कर लो वरना हम ही ना सेव हो जाए। और भैया हमने खतरनाक तरीके से अपना किल सेव किया और नीचे से एक बंदा हम पर एकदम खतरनाक तरीके से रश कर रहा था। और भैया जी यहाँ पर आरपीजी चल रही थी, हमारी फटके चार हो जाती। हमने कहा आरपीजी वाला बंदा हम पर रश कर भाग लो भैया। हमने हमारे टीममेट से हेल्प मांगी और कहा कि भैया तू कवर फायर देना, उधर से बंदा आएगा उसको लॉबी भेज देना, हम इधर कैंपिंग कर रहे हैं। और हमारे हाथ में साला स्कारे लग जाती है, बेटा कंटाप निकलो लॉबी। अबे साला ये क्या हो गया रे, साला हमको नॉक कर दिया। अरे मैया आरपीजी वाला कहां से आ गया भाई साहब। और भैया हमारे टीममेट को देख लो, मतलब हम अल्ट्रा लेवल के चूती और हमारे टीममेट अल्ट्रा प्रो मैक्स से चूती। और भैया जी बने हुए हैं नांगिन, मतलब बंदों को मारना नहीं है, सिर्फ हमारी पेटी को देखना है। साला इससे अच्छा तो हम साला फ्री फायर खेल लेते भाई।